हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा। अब वार्ड से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन लड़ने की काम करेगी। सब कोई का शुक्रगुजार हूँ कि जो इतना बड़ा वोट हमको देने का काम किया, हमारे पार्टी को देने का काम किया, और हार की जिम्मेदारी मैं अपने आप पे लेता हूँ और जीतने वाले को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। हार जीत तो होती रहती है और अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या कमियां रह गई हम लोगों में। हम तो बताए आपको कि हम लोग प्रखंड स्तर पर समीक्षा का रूटीन बना रहे हैं, रूटीन बना के उसको रखेंगे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, जीतने वाले को दी बधाई। मुन्ना शुक्ला ने कहा, कमियों की प्रखंड स्तर पर कर रहे हैं समीक्षा। लोकसभा चुनाव 2024 में वैशाली संसदीय सीट की चर्चा हॉट सीट में हो रही थी। पूरे देश में इस लोकसभा सीट की चर्चा जोर शोर से की जा रही थी। कारण थे राजद के उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला के राजद उम्मीदवार बनते ही वैशाली की चर्चा गर्म हो गई थी। गठबंधन और प्रत्याशी दोनों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। चुनाव के दिन तक राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का जलवा बरकरार था, लेकिन नतीजों में वो काफी पीछे छूट गए। लगभग 90,000 वोट से उनकी हार हो गई। मुन्ना शुक्ला की हार के बाद उनकी हार पर भी चर्चा होना लाजमी था। लोग भीतरघात जैसे तरह तरह के आरोपों की बात करने लगे। शनिवार को राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, जो अंततः कोई भी प्रत्याशी करता है। लेकिन सवाल अभी भी कई हैं। जब हवा इतनी मजबूत थी, जातीय समीकरण इतना जबरदस्त था, तो हार कैसे हो गई? हालांकि मुन्ना शुक्ला ने कमियों की प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिन विधानसभाओं को लेकर मुन्ना शुक्ला पूरी तरह से आश्वस्त थे, वे वहां से भी हार गए। भीतरघात और चुनाव प्रबंधन पर शुरू से सवाल उठ रहे थे, जिसको मुन्ना शुक्ला की हार ने कहीं ना कहीं सच साबित कर दिया है। हालांकि मुन्ना शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार नहीं मानने की बात कहते हुए आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश की है और वार्ड स्तर से संसद स्तर तक लड़ाई लड़ने की बात कही है। बिहार लाइव नाउ के लिए अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। आज का प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाने का खास मकसद ये रहा कि अभी सामने के चुनाव में हम लोगों को, हमारे पार्टी को, हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे महागठबंधन को जो लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और जो इतना बड़ा वोट मिला, इसके लिए सर्वप्रथम हम तमाम वैशाली के तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपने वर्कर, अपने प्रखंड अध्यक्ष, अपने नेता, अपने जिला अध्यक्ष, महासचिव, अपने मंत्री, विधायक और जो भी पंचायत स्तर तक के जो हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे पार्टी के वर्कर रहे हैं, महागठबंधन के रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, वीआईपी के हों, सीपीआई सीपीएल माले के हों, सब कोई का शुक्रगुजार हूँ कि जो इतना बड़ा वोट हमको देने का काम किया, हमारे पार्टी को देने का काम किया, और हार की जिम्मेदारी मैं अपने आप पे लेता हूँ और जीतने वाले को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। और अपने पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सहयोगियों से, अपने वैशाली के तमाम वोटरों से, चाहे सहयोगी से, पार्टी के तमाम पदाधिकारी से, चाहे पंचायत स्तर तक के क्यों नहीं हो, हम लोगों का वोट का इजाफा, बहुत बड़ा वोट का इजाफा हुआ है। वोट परसेंटेज हम लोग बढ़ा है हमारा, हमारे प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा वोट हमारे आरजेडी को मिला है 22%।
इस नाते हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का मकसद था प्रधानमंत्री जी को 400 पार का धर्म तोड़ना, वो टूट गया है। आज सरकार जो स्थिति में बनने जा रही है वो आप देख रहे हैं। दो सहारे की ज़रूरत पड़ गई है, दो बैसाखी की ज़रूरत उनको पड़ गई है प्रधानमंत्री जी को। इसलिए हम लोग अपने मकसद में, संविधान बचाने में, आरक्षण बचाने में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो खतरा था उसको बचाने में कामयाब हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है और मैं ये कहना चाहता हूँ वैशाली के तमाम, मुजफ्फरपुर के भी लोकसभा के आम आवाम को, ये हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा। अब वार्ड से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन लड़ने की काम करेगी। इसी के साथ बताइए क्या वजह रही, हार का इतना रही है? क्या रही तो बताए आपको कि हम लोग वोटर परसेंटेज में जीते हुए हैं। वोट का 4,77,000 वोट का आप समझ सकते हैं। हार जीत तो होती रहती है और अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या कमियां रह गई हम लोगों में। आरी डेढ़ नहीं टूटा तो 4,72,000 वोट कहाँ से आए? 75 है कि 77 है? 77 है। हम तो कहे कि तीसरी बार हमारी हार नहीं है, पति की अगली बार आरजेडी से पहली बार हम लड़े और इससे पहले लड़े थे तो उस समय भी 21,000 से हारे थे। एक एक्सीडेंट अगर नहीं होता तो उस समय हम चुनाव 9 में नहीं हारे थे। एक एक्सीडेंट हो गया था सरैया के कार्यक्रम में जिसके कारण हम चुनाव हारे थे। अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं, जाते हैं। आखिर क्या वजह रहा है आपका, जहां विधायक था वहां से भी आप लीडिंग नहीं करता है? मीनापुर विधानसभा हो या काटी विधानसभा, आपके विधायक रहते हुए भी आप लीडिंग, ये बात है, ये बात है। तो हम तो बोले कि हम इसकी समीक्षा करते हैं, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। पार्टी की भी चर्चा जो है वह कही जा रही है, कई जगह पे चर्चा चली कि भीतरघात भी हुआ है क्या? अगर भीतरघात होती तो फिर इतना बड़ा वोट नहीं आता। हाँ, कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ छूट गया होगा, कुछ हम लोग कर नहीं पाए होंगे, वोटरों तक पहुंच नहीं पाए होंगे, कुछ कमी है, लेकिन उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी और प्रखंड स्तर पर करेगी, और जो कमी रह गई है उसको, गलती को सुधारने का काम करेंगे, आगे उसको संभालने का काम करेंगे। अच्छा, मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ तमाम आम आवाम को, जो हमारे महागठबंधन के, हमारे पार्टी के, चाहे हमारे समर्थक रहे हैं पंचायत स्तर से जिला स्तर तक, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। हम लोग और मजबूत पहले से हुए हैं, पहले से तो और मजबूत हुए हैं ना, इस बार तो पहले से और मजबूत हुए हैं, तो और मजबूत हुए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और वार्ड से लेकर एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम करेंगे, हमारे पार्टी लड़ेगी और हार नहीं मानेंगे, रार नहीं छोड़ेंगे। ये आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कह देना चाहते हैं। भूमिहार समाज साथ नहीं थी क्या इस चुनाव में आपके? आप भूमिहार समाज साथ नहीं थी तो फिर 4,75,000 या 77,000 वोट कहाँ से आया? एनडीए दावा कर रही है कि भूमिहार समाज हमारे पक्ष में रही है। एनडीए दावा करने से तो उनका अपना दावा है, वो दावा कुछ भी कर सकते हैं। भूमिहार समाज साथ रहते हुए भी हार एक बड़ी कारण, मल्हार समाज भूमिहार जब चुनावी कैंपेन के दौरान आप दावा कर रहे थे कि ये सब समाज हमारे साथ है, मजबूत। हम तो बताए आपको कि हम लोग प्रखंड स्तर पर समीक्षा का रूटीन बना रहे हैं, रूटीन बना के उसको रखेंगे। का विधायक है काटी और मीनापुर में आके हार गए। देखिए, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बहुत नज़दीक से चुनाव को देखने का काम किया, हम लोगों से भी ज़्यादा नज़दीक से इन्होंने चुनाव देखने का काम किया है, और जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है उसकी समीक्षा पार्टी करेगी और प्रदेश स्तर पर भी इसकी समीक्षा होनी है, जिला स्तर पर भी समीक्षा होगी और प्रखंड स्तरीय भी समीक्षा होगी। जहाँ पार्टी से चूक हुआ है उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और एक बात सही इन्होंने कहा है, हमारे उम्मीदवार सही एक बात बताए हैं कि हम लोगों ने संविधान बचाने की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया था, हमारी पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी थी, संविधान को हम लोगों ने बचा लिया, ये सच्चाई है। आज जो देश में जो सरकार बन रही है, दो बैसाखियों के द्वारा सरकार बन रही है, अब जो बैसाखी लगाने वाले लोग हैं बिहार के लिए कितना कर पाएंगे आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन अब संविधान चेंज नहीं होगा, संविधान बदलेगा नहीं, और मनमानी जो करते थे केंद्र की सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब अंकुश उन पर लगा है और हमारी पार्टी का वोट और परसेंटेज बढ़ा है और कई जगहों पर हमारी जीत हुई है। कई जगहों पर पार्लियामेंट में हम लोग कई जगहों पर कम वोट से हारने का काम किए हैं। विगत चुनावों में हम लोगों ने 2,35,000 वोट से हम लोग हारने का काम किए थे और इस बार हम लोग 79,000 से हम लोग हारने का काम किए हैं। तो हार की कारण की समीक्षा हम लोग करेंगे और उससे पता चलेगा कि कारण क्या था और पार्टी पुनः उस पर दुरुस्त करने का काम करेगी। मुजफ्फरपुर और वैशाली के संदर्भ में आपके पार्टी के कई वर्कर आरोप लगा रहे हैं, खासकर आप पे, कि महागठबंधन की संयुक्त बैठक नहीं कराई गई, आपके द्वारा बहस बन गया कि वोट को ट्रांसफर नहीं कराया गया, देखिए हमारे पार्टी के वैसे वर्कर जो आरोप लगा रहे हैं उनसे आप जरा ये बात करिए कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में हमारी हार हो गई है और तमाम बिहार में किसके चलते हार हो गई। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर का जो हमारे उम्मीदवार थे उनको बाद में उम्मीदवारी पेश करने का, और हम उम्मीदवार पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन वोट और परसेंटेज मेरा बढ़ा है। वहाँ भी 4.5 लाख से जो उम्मीदवार हारा था उस समय हम लोग हारे थे, अभी 2 लाख कुछ से हम वहाँ से 2.5 लाख से संभवतः हम लोग हारे हैं और उनके समाज के लोग ही उनको वोट वहाँ नहीं दे पाए, और यहाँ तो हमको कमोबेश हर बिरादरी का वोट हमको मिला है। हम कैसे कह सकते हैं कि सहनी वोट नहीं दिए और फलना वोट हमको नहीं दिया, ये कहना उचित पार्टीगत उचित नहीं होगा। जो पार्टी के लोग अगर कहीं किसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं उनसे हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस किसी को अगर कुछ कहना है तो पार्टी का फोरम है, पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखें, चाहे यहाँ रखें या प्रदेश में रखें। जो पार्टी फोरम पर बात नहीं रखते इसका मतलब वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को हम ये बता देना चाहते कि अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है तो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई है, हमको समझा दें, वहाँ गड़बड़ी को फिर हम लोग दुरुस्त करेंगे। अच्छा, इस हार का जिम्मा आप लेते हैं क्या आपके नेतृत्व में, इसलिए कि मुजफ्फरपुर की बात करें तो शाहिद इकबाल मुन्ना जो है महानगर, उन्होंने अपना सोशल, देखिए शाहिद इकबाल मुन्ना क्या बोल रहे हैं उससे बहस नहीं है, हम अध्यक्ष हैं, यहाँ अगर हार हुई है तो हम कह दे सकते हैं क्या कि हमारी जीत हो गई है, तो जवाबदेही तो आ ही ना जाती है। हारता है तो पार्टी, हाँ पार्टी ना हारता है, अगर हम हारे हैं तो जवाबदेही तो हमारी, हमारे उम्मीदवार बोल सकते हैं कि हमसे कहीं चूक हुई होगी जिससे हम हार गए हैं, हम तो जिम्मेदारी। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।